तो हेलो फ्रेंड, कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तो आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क एपिसोड नंबर 6। तो शी हल्क एपिसोड नंबर 6 को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्वल हमारा पूरी तरह से काट रहा है। इस एपिसोड को देखकर लग रहा है कि मार्वल हमें कुछ भी दिखा रहा हो, कुछ भी देखे जा। तो आइए शुरू करते हैं। रिव्यूज ट्रेलर LC चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड नंबर 6 की। तो इस एपिसोड का नाम है जस्ट जेन। ये सिर्फ जेन के लिए होने वाला है। इस एपिसोड में जेन अपने कोई पुराने की वेडिंग पर जाती है, जहाँ पर उसे सी हल्क बनकर जाने पर उसकी फ्रेंड उस पर एतराज करती है और बोलती है कि तुम यहाँ सिर्फ जेन बनकर ही रहोगी। और इसी वेडिंग में तानिया भी आ जाती है, जिसने सी हल्क का ब्यूटी प्रोडक्शन के नाम से सी हल्क का नाम यूज किया था और उस पर केस चला था एपिसोड नंबर 5 में, जहाँ पर सी हल्क वो केस जीत गई थी। लेकिन वो उसका बदला लेने के लिए वेडिंग में भी चली आती है। वहीं पर जेनिफर को भी एक लड़का पसंद आ जाता है, जिसे वो डेट करने लगती है। और हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि तानिया और शीहल के बीच में फाइट होती है छोटी सी, जिसमें तानिया के दांत टूट जाते हैं और वो वहाँ पे उसे तानिया शीहल को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं एपिसोड के दूसरी तरफ दिखाते हैं बुक और रेमोन डिवोर्स केस पर काम कर रहे होते हैं। इस केस का क्लाइंट मिस्टर इमोंटन होता है। मिस्टर इमोंटन वो होता है जो हर बार मरने की कोशिश करता लेकिन मरता नहीं है। वो 1000 साल से दुनिया में रह रहा होता है और वो होता है जिसने पास्ट में बहुत सारी शादियां की होती है। उन शादियों से वो परेशान होकर डिवोर्स लेना चाहता है, लेकिन तो रोमो ने बीच बचाव करके रिमोंटन और जिन 8 लोगों से पास्ट में शादी की थी कंपोजिशन दिलवा देती है और केस यही दफा दफा हो जाता है। इस केस को रफा दफा करने के बाद रोमानियो को एक इंटेलिजेंट साइड मिलती है, जहाँ पर सीहल की बुराई होती है। ये बात वो सीहल को बताने के लिए कॉल करती है। वही एपिसोड के लास्ट में हमें पता चलता है कि एक लेब होता है जो शीहल्क का ब्लड लेना चाहता है। तो इस एपिसोड में कोई मिड क्रेडिट सीन नहीं था। जहाँ तक देखा जाए तो शीहल्क एपिसोड नंबर 6 ठीक ठाक था जी, इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं था। हम अभी तक शीहल्क को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें डेयरडेविल आने की उम्मीद है। देखते हैं कौन से एपिसोड में डेयरडेविल को दिखाया जाता है। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।